यूपी के फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह में कुछ लोग पुलिस से भिड़ गए। बताया गया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने दरगाह के बाहर दुकान लगाने वाले एक आदमी को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया था। और जब पुलिस दोबारा वहां दूसरे आदमी को पकड़ने पहुंची, तो दरगाह के अंदर ही इलाके के दुकानदार पुलिस पर टूट पड़े। कुछ पुलिस वालों ने बांस के बड़े डंडे उठाकर लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था, उस समय दरगाह में कई लोग मौजूद थे, जिनमें एक ने अपने मोबाइल में इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। बताया गया कि पुलिस पर हमला करने वाले लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को चोटें आईं। हालात काबू होने पर घायल पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने इलाके के लोगों को समझाने की कोशिश भी की। अब ऐसा है, उसके पीछे अगर शिकायत थी तो मुझे आगे बता दें आप लोग। बताया गया कि लोगों के हमले से बचने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी और दरगाह के बाहर जमीन पर एक कारतूस भी गिरा नजर आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग के कर्मचारी दिन रात लगे हैं। भीषण गर्मी के मौसम में उत्तरकाशी के कई जंगल आग की चपेट में हैं। और जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग में कर्मचारी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने रात के वक्त भी अपना काम जारी रखा और हरी घास और झाड़ियों की मदद से आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। आग बुझाने के समय वन विभाग के कर्मचारियों ने पूरी सावधानी भी बरती। हालांकि जंगल के कुछ इलाकों में तो इन कर्मचारियों की कोशिश कामयाब हो गई, लेकिन जंगल के जिस बड़े हिस्से में आग तेजी से धधक रही थी, उसे बुझाने में मुश्किल पेश आई। बताया गया कि आग की वजह से उत्तरकाशी के जंगलों का कई हेक्टेयर का इलाका पूरी तरह जल चुका है, लेकिन वन विभाग इस कोशिश में जुटा है कि आग को फैलने से रोका जाए। 25 जो फायर है उनको स्रोत पे ही कंट्रोल किया हुआ है, जिससे लगभग 250 हेक्टेयर जो है वो एरिया को हमने बचाया हुआ है। आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा। भोपाल में एक मॉल में आग लगने पर हड़कंप मच गया, जिसे वक्त रहते खाली करवा लिया गया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए प्रस्ताव पास किया। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धारमैया ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार पर कोई संकट नहीं। असम के कोकराझार में एनडीएफबी का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में पूजा के समय कुछ श्रद्धालुओं ने दहकते अंगारों पर चलकर अपनी आस्था प्रकट की। यूपी की बाराबंकी में जहरीली शराब से 20 से ज्यादा मौतों के बाद छापेमारी तेज की गई और कई शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ के समय एक आतंकी मारा गया, जबकि एक नागरिक की भी मौत हो गई। राजस्थान के जोधपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, किसी तरह ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। राजस्थान के जयपुर में एक बदमाश ने दुकानदार पर फायरिंग कर दहशत फैलाई। राजस्थान के दौसा में कार में लगा सिलेंडर फटने पर उसके पर खच्चे उड़ गए। बेंगलुरु में उपचुनाव के समय बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।